इसका कप्तान भी किसान है, इसका नायक भी किसान है, इसका हीरो भी किसान है। हाँ, हम समर्थन में है, लाभ इतना चलिए हरियाणा में। जनता का विश्वास खो दिया हो, बड़ौदा चुनाव में आपने देखा हमारे उम्मीदवार भालू ने हराने का काम किया बीजेपी के उम्मीदवार को। आपने नगर निगम के चुनाव में देखा, सोनीपत नगर निगम की बात हो, अम्बाला नगर निगम की बात हो, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं करनाल में अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असमर्थ हैं, तो उप मुख्यमंत्री जी उचाना अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असमर्थ हो। तो जो सरकार जनता का विश्वास खो दे, किसान की आवाज़ को कुचलने की इसका कोशिश करे, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष। 60 दिन से यहाँ धरना बराबर जारी है, टोल फ्री है और दिल्ली का गोल बंद किया हुआ है। किसानों ने 100 दिन से लगभग हो गए हैं तीनों कानूनों को लेकर, और जब आज पहुंचे हैं यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जी, जो 4 बार सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा में अपनी बात भी करते हैं और कहते हैं कि मैं अकेला पड़ गया राज्यसभा में, लेकिन किसानों की आवाज उठाने के लिए हर बॉर्डर पर जाते हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस का क्या एजेंडा है, क्या ये रिपील होने चाहिए तीनों बिल, तीनों कानून? देखिए, ये तीनों कानून सरकार को वापस लेने चाहिए और राजहट छोड़ना चाहिए अपनी हठधर्मिता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया सरकार ने जो अपनाया है ये किसी के हित में नहीं है। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार छोटी नहीं होती, किसी सरकार की हार जीत का मसला नहीं है, ये किसी का अहंकार का मसला भी नहीं होना चाहिए। सरकार को तुरंत बुलाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, किसान संगठनों को दोबारा से बातचीत करे सरकार और इन तीनों कानूनों को वापस ले और इसका गतिरोध को समाप्त। बीजेपी कहती है इट इज अ पॉलिटिकल वेंडेटा, ये पॉलिटिकल नहीं है मूवमेंट। इस मूवमेंट का पूरी तरीके से नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, इस मूवमेंट में शामिल किसान है, इसका कप्तान भी किसान है और इसका हीरो भी किसान है। इस आंदोलन का समर्थन हम एक किसान के बेटे के रूप में, एक देश के नौजवान और जिम्मेदार नागरिक के रूप में और एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी कोई भी, क्योंकि अंततः कानून कहाँ बनते हैं, विधानसभा और संसद में। जब बीजेपी संसद में किसान के विरोध में वो कानून पास करा सकती है तो कोई विपक्ष की पार्टी को किसान के पक्ष का पक्ष लेने का भी अधिकार है। किसान आपको कितना ओन करता है कांग्रेस के नेताओं को? देखिए, मैं कहा कि आज ये कोई सवाल ही नहीं है किसी राजनीतिक दल का। अच्छा, ये किसान का दल का प्रश्न है, किसान के भविष्य का प्रश्न है। राजनीतिक पार्टी, जैसे मैंने कहा, अगर भाजपा संसद में किसान का तिरस्कार करे तो किसी राजनीतिक पार्टी को किसान के पक्ष में खड़े होने का भी अधिकार है। तो राजनीतिक दल इस में किसान के समर्थन में भी आ सकते हैं। कोई राजनीतिक दल बीजेपी है, जेजेपी है, वो किसान के अगर खिलाफ हैं तो क्या कोई राजनीतिक दल किसान के हक में नहीं आ सकता? मगर मैंने जो पहली बात कही कि ये आंदोलन राजनीतिक दल का नेतृत्व नहीं चल रहा, ये इस आंदोलन का नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं और लगभग 50 से ज़्यादा किसान संगठन इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसका नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं, इसमें शामिल किसान है, इस आंदोलन का कप्तान भी किसान है, इसका नायक भी किसान है, इसका हीरो भी किसान है। हाँ, हम समर्थन में हैं पूरी तरीके से। 26 जनवरी की घटना को कैसे लेते हैं? 26 जनवरी में कोई भी, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई सही मायने में कोई दोषी है, कोई उपद्रव में शामिल है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसकी आड़ में पूरे जो है इस आंदोलन को एक रंग में रंगना, निर्दोषों पर बड़े बड़े जो है केस बनवाना, लोगों के ट्रैक्टर जब्त करना, आज भी कई जो है कईयों को जो है बिना बात जो है बिना किसी कसूर के उन पर मुकदमे, इवन किसान छोड़ो आप, कई 26 जनवरी के बाद पत्रकार आप जैसे भाइयों पे, एक मंदी पुनिया थे हमारे, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, तो कई जिनका कोई कसूर नहीं था, कई पत्रकारों पे भी मुकदमे बनवाने का काम इस सरकार ने, पूरे आंदोलन को एक रंग से रंगने का जो प्रयास किया वो गलत। मीडिया के खिलाफ भी बोलते रहे हैं अपने सवाल पे। मैंने मीडिया के कोई जो है ये मीडिया अलग अलग संज्ञाएं दे, जो है इसमें जो है मीडिया का काम है, मीडिया विश्लेषण करती है, मीडिया अलग अलग नाम और जो है नामकरण करती है, तो वो जो है अपना विधानसभा कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस परिवार पूरी तरह से एकजुट है। विधानसभा में बजट सत्र में क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे? बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि भाई
जो सरकार किसान के खिलाफ इतना चली हो हरियाणा में, जनता का विश्वास खो दिया हो। बड़ौदा चुनाव में आपने देखा हमारे उम्मीदवार भालू ने हराने का काम किया बीजेपी के उम्मीदवार को। आपने नगर निगम के चुनाव में देखा, सोनीपत नगर निगम की बात हो, अम्बाला नगर निगम की बात हो, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं करनाल में अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असमर्थ हैं, तो उप मुख्यमंत्री जी उचाना अपने गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असमर्थ हो। तो जो सरकार जनता का विश्वास खो दे, किसान की आवाज़ को कुचलने की इस तरह कोशिश करे, उसका उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना एक नैतिक जिम्मेदारी है विपक्ष की। हाँ, हम चाहते थे कि पूरा विपक्ष एकजुटता के साथ सरकार को घेरे, मगर जो एक इस्तीफा हुआ है एलनाबाद से और एक हमारा मेंबर की मेंबरशिप कैंसिल होगी कालका से, ये जो दो सीट कम हो गई हैं, इससे कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव जो हम ला रहे थे उन प्रयासों में हमें नुकसान हुआ है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज बीजेपी का पलड़ा भारी हुआ है, मगर हम फिर भी अपनी तरफ से पूरी हौसले से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे। मुकदमे दर्ज हैं 200 लोगों के खिलाफ और फरमाना के सरपंच हैं उसके खिलाफ भी, तो राज्यसभा सांसद का विरोध किया था, ठीक है, राजनीतिक मामला है या कोई ऐसा? देखिए, कोई भी जैसे मैंने कहा कि भाई इस आंदोलन को एक तरीके से इस आंदोलन ने हर प्रकार का अग्नि परीक्षा दिया है और आपके सामने है। आज तक दुनिया के इतिहास में 3 महीने इतनी कुर्बानी देने के बाद भी पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण आंदोलन दुनिया की तारीख ने आज हमारे आज़ादी के आंदोलन के बाद नहीं देखा होगा। जो यहाँ किसान आंदोलन ने एक अपनी शांति की शक्ति दिखाई, तो अब आप इसको मैं समझता हूँ कि इसको कलंकित करने के लिए सरकार बारी बारी कुछ न कुछ प्रयास। बलराज कुंडू पे छापेमारी होना, इनकम टैक्स की और डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट की, तो क्या लगता है आपको कि वो किसानों के पक्ष में बात करते हैं? मैं देखिए, ऐसा है, क्या मामला है, जब तक सारा मामला पूर्ण रूप से सामने नहीं आता उस बारे में कुछ नहीं। पूरी बात ये आखिरी सवाल कर लेते हैं क्योंकि आगे नहीं तो लेट हो जाएंगे, तो आपका आखिरी सवाल इसलिए हो रहे हैं, क्या मामला है, जब तक पूर्ण रूप से सारी बात सामने नहीं आती तब तक कुछ उस कैफे कहना आज मैं समझता हूँ जल्दबाजी होगी। लेकिन यदि अगर कोई जो हमारा अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए हैं उसके मद्देनज़र अगर उससे जुड़ी हुई कोई अगर कार्रवाई करी जाती है, अगर करी अगर कोई कार्रवाई हो तो वो अनुचित हो ना। एक मैं किसान भाइयों से अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, कहते और ये मैं बात कोई राजनीतिक बात नहीं, मैं एक स्वयं एक जो है किसान के बेटे के रूप में कहना चाहता हूँ कि जो कुछ किसान मैं समझ सकता हूँ उनकी भावनाएं बहुत अभी जो है एक सरकार के प्रति एक आक्रोश है जिसकी वजह से कुछ फसल नष्ट करने की बात आई है सामने, उसमें मेरा ये कहना है, सबसे अपील आग्रह करना चाहता हूँ, अपने टोल पे भी रामायण टोल पे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कदम ना उठाए किसान, क्योंकि फसल नष्ट करना या का कोई समाधान नहीं है मेरी समझ में। जो सरकार 250 जानों की कुर्बानी के बाद जिस सरकार पर टस से मस नहीं हुई, फसल की कुर्बानी से वो सरकार जो है उसमें दया दृष्टि जागेगी या करुणा जागेगी वो मेरे को नहीं दिखाई देता। सरकार किसान जो है अपनी फसल नष्ट ना करे, अपना खुद का पूरे साधन और हर अगर किसके पास उत्पादन ज़्यादा है, खुद के लिए भी और खुद के परिवार के खर्चे के लिए और हर चीज़ के से भी ज़्यादा किसी के पास अगर है तो किसी को लगता है तो वो अपना जो है गरीब आदमी की मदद में वो लगाए, मगर नष्ट ना।